नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप खबरें। वक्त हो चला है सुबह के ताजा बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। खबर की ओर, जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, जी हां, बता दें कि इसका प्रचार अंतिम चरण में है। इसके साथ ही आरोप प्रति आरोप का दौर भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भाजपा और कांग्रेस के आरोप का जवाब देने के लिए पत्नी सुनीता के बाद बेटी हर्षिता केजरीवाल भी मैदान में उतर गई हैं। जी हां, बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप को खारिज करते हुए हर्षिता केजरीवाल ने, जो उनकी बेटी है, बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि बेशक राजनीति गंदी है, लेकिन गिरावट या नया स्थल पे अगर लोगों के स्वास्थ्य सेवा भी मुफ्त किया जा रहा है तो यह गलत बात है क्या? बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है तो क्या यह भी गलत बात है क्या? और बिजली पानी लोगों के लिए मुफ्त किया जा रहा है, क्या यह भी गलत बात है क्या? आप ही बताएं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है, जो सुविधा की गई है क्या वह सही है या गलत है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट घोषणा का समर्थन किया है। कि यहां पे कांग्रेस ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने को सरकार की घोषणा सूचना में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सब कुछ हो रहा है। पार्टी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के अपने फैसले में ट्रस्ट समेत अन्य प्रतिक्रियाओं को रूपरेखा तय कर रही है, जिसका पालन करना सरकार को जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने पार्टी के अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ हम सभी ने इसका सम्मान करते हुए स्वागत करते हुए राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया है। जहाँ तक ट्रस्ट के गठन के लिए अनंत प्रतिक्रियाओं का सवाल है, यह बहुत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा है जिनका पर अमल करना सरकार का कर्तव्य है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हां दोस्तों, ओवैसी ने कल पार्लियामेंट में एनआरसी और सीएए के खिलाफ भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उसने कहा है कि भाई ये देश को तोड़ना चाहती है, देश को टुकड़े टुकड़े बनाना चाहती है। देश में पहला संविधान कोई आया है जो ये आपस में भेदभाव पैदा करता है। और इस पीसी को लेके बीच में कांग्रेस, ये भाजपा के अमित शाह ने और डॉक्यूमेंट्री यानी रिलीज किया है, वहाँ पे लिखा गया 3-9, यानी ये एनआरसी नहीं लाएगी। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा गया है कि अब कब तक आएगी एनआरसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये डॉक्यूमेंट भारत यानी केंद्र सरकार की तरफ बताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर की ओर, दिल्ली की ओर। दिल्ली में ये केजरीवाल का सरकार आ रहा है। यहाँ पे टाइम नाउ आईपी के अनुसार, ओपिनियन के अनुसार, आम आदमी पार्टी को 54 से 60 सीट आने का संभावना है। जब वहीं बीजेपी को 10 से 14 सीट आने का संभावना है, और कांग्रेस को वहाँ पे बेकार प्रदर्शन के कारण वहाँ पर 0 से 2 सीट दिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है, आप पार्टी को यानी आम आदमी पार्टी को 52% वोट पड़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बीजेपी पार्टी को 34% और वहीं कांग्रेस पार्टी को 5% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो ये इससे जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से आ रही है और फिर से सरकार बनने का चांस बन रहा है। तो जैसा कि आपको बता दें, ये टाइम नाउ आईपी के अनुसार बताया गया है। अगली खबर की ओर, ये अगली खबर महाराष्ट्र आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सीए और एनआरसी ये आपस में भेदभाव पैदा करता है, इसलिए इस बिल को हम महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे और एनआरसी भी लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ का मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं, जो बीजेपी से अलग हुए, तो बता दें दोस्तों ये काफ़ी चर्चित में रहा है। और यहाँ से सेकेंड जो निकल के आ रहा है, ये तेलंगाना के सीएम ने भी वह कहा है कि यहाँ पे एनआरसी को के खिलाफ हम बिल यानी सीए और एनआरसी के खिलाफ हम राज्यसभा में विधानसभा में करेंगे। तो ये निकल के आ रहा है और वैसी भी को पूरे नेशनल लाइज पर कर रहे हैं। और बता दें कि ये काफ़ी दयनीय है स्थिति में, भारत का स्थिति। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या सोचते हैं, क्या राय देते हैं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।